बिलासपुर में सराफा व्यापारी का ध्यान भटकाकर दिन दहाड़े 15 लाख रुपयों के जेवर से भरे बैग की उठाई गिरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बिलासपुर पुलिस ने कामयाबी पाई है। पुलिस ने आरोपियों से सोने चांदी के जेवर के साथ घटना में इस्तेमाल किए गए 2 हाईटेक बाइक को जब्त किया है। मामले का खुलासा करते हुए SP रजनेश सिंह ने बताया कि इमलीपारा निवासी जवाहर प्रसाद सोनी की सरकंडा अशोक नगर DLS कॉलेज के पास रोज की तरह वे बुधवार को दोपहर 12 बजे घर से सोने चांदी के जेवर थैले में रखकर दुकान खोलने के लिए पहुंचे थे। दुकान के सामने बाइक खड़ी कर वे दुकान खोलने के लिए गए तो शटर के ताले में गंदगी लगी दिखी। उन्होंने जेवर से भरा थैला बाइक में रखकर उसकी सफाई करने लगे। इसी बीच उठाई गिरी की वारदात हो गई। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और CCTV फुटेज की मदद से ओडिशा के गंजाम व जाजपुर जिले में रहने वाले दीपक प्रधान, अर्जुन प्रधान, आर्यन उर्फ महेश प्रधान और भोला प्रधान को पुलिस ने दबोचा है। 7 से 8 घंटे के अंदर जो आरोपी हैं पकड़ा गया, क्या मामला है? क्या निश्चित रूप से आज सभी हम लोग जब अपने ऑफिस पहुंचे तभी तत्काल ऐसी सूचना मिली कि सरकंडा थाना क्षेत्र में अशोक नगर में भवानी ज्वेलर्स के शॉपकीपर जो हैं वो जैसे ही अपने दुकान पहुंचे उसी समय उनको लगा कि उनके दुकान के ठीक सामने बहुत गंदगी है, उसको सफाई करने के लिए उन्होंने अपने मकान मालिक से पाइप मांगा, पानी से साफ करते रहे। उसी दरमियान उन्होंने अपना बैग मोटरसाइकिल पर रखा हुआ था और एक लड़का आया दौड़ के वहाँ से उस बैग को भागा और मोटरसाइकिल में लेके वो लोग भाग गए। इस घटना की तत्काल आधे घंटे में जो सूचना प्राप्त हुई पुलिस को, उस सूचना पर तुरंत हमारे SECO के एडिशनल SP और SECO की टीमें, एडिशनल SP सिटी, थाने की टीम और CSP सभी को वहाँ पर भेजा गया। तत्काल घटनास्थल पे जो CCTV लगे हुए हैं उनका एनालिसिस की गई और जितने भी CCTV उसमें क्रॉस करते गए जहाँ जहाँ से वो निकला है इस तरीके से अलग अलग टीमें बनाकर और जिस CCTV में वो क्रॉस किए हैं आरोपी उसके आधार पर टेकेंट के आधार पर आरोपी का पीछा किया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने नाकेबंदी किस तरीके से लगाई थी और कुछ दिन पहले भी प्रैक्टिस कराया गया था तो सभी जगह नाकेबंदी की जा रही थी और पीछे हमारी पुलिस ने CCTV के कैमरे और टेकेंट से उसकी एनालिसिस करते हुए फाइनली शाम को 9 बजे तक ये ट्रेस कर लिया, जीरो इन कर लिया कि आरोपी हो न हो यहीं पर छुपा है सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में आवास पारा में वहाँ पर 2 लोगों को जो फिक्स लोकेशन होती है उस लोकेशन पर छापा मारकर 2 लोगों को पकड़ लिया, 2 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों से प्रारंभिक तौर पर कड़ाई से पूछताछ की गई, उनका वो बैग भी बरामद हो गया। पता चला कि 2 और भी आरोपी जो ऐसी ही घटना को अंजाम देने के लिए रात में भी निकले हुए हैं, इसी बीच वो किसी काम से दोनों आरोपी भी वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी तुरंत पकड़ लिया। इस तरीके से ये बहुत ही प्रोफेशनल पुलिसिंग, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पली एग्जाम्पल है और दिन भर हमारी टीम पूरी मेहनत करती रही और इस मेहनत का परिणाम है कि विदिन 10 आवर 10 घंटे के भीतर ये 4 आरोपी पकड़े गए हैं जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, जाजपुर के। वहाँ भी इन्होंने कई घटनाएं की हैं और सबसे बड़ा जो इसका इम्पोर्टेंट पहलू है कि आने वाले समय में इनका जो टारगेट था और भी कई घटनाएं करने का था, जिसमें कि पड़ोसी जिले हैं, कोरबा है, जांजगीर है और मुंगेली है, इन जगहों पर भी ये लोग उठाईगिरी करते और बिलासपुर में भी और घटनाएं करते। इसीलिए इन्होंने किराए का मकान 2500 में लिया था और मजदूरी करने के एवज में वहाँ पर लिया था। तो ये सभी ऐसी जो भी घटना हुई है उसमें पुलिस का बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है। इसके लिए हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय डॉक्टर संजीव शुक्ला साहब ने, हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने इसमें पूरी पुलिस टीम को बहुत बहुत बधाई दी है और इसी तरीके से आगे भी बहुत इसी मेहनत से और काम करने के लिए हमें
निर्देशित किया है और सीसीटीवी का जो इम्पोर्टेंस है इस घटना को पकड़ने के बाद आप सभी के सामने हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से पूरी टीम को, बिलासपुर टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी।